भारत देश के सबसे पौराणिक आस्था के प्रतीक साधना तप के संगम को संगम के तट पर कल्पवास की महिमा का वर्णन करेंगे। प्रयागे माघ पर्यंत त्रिवेणी संगमे सुभे निवासः पुण्यशीलानां कल्पवासो हि कश्यते। इसका अर्थ है तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर माघ मास भर निवास करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। संगम के तट पर एक मास की इस साधना को कल्पवास कहा गया है। कल्पवास के संदर्भ में माना गया है कि कल्पवासी को इच्छित फल तो मिलता ही है, साथ ही साथ उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत में कहा गया है कि 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने का जो फल है माघ मास में कल्पवास करने भर से प्राप्त हो जाता है। एक संदर्भ में माना जाता है कि भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस के वध करने की क्षमता कल्पवास से ही प्राप्त की थी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकाद ऋषियों को कल्पवास करने से आत्मदर्शन का लाभ हुआ। हम बात करते हैं कल्पवास की अवधि काल के विषय में। कल्पवास की न्यूनतम अवधि एक रात्रि की है। बहुत से श्रद्धालु जीवन भर माघ मास गंगा यमुना माँ सरस्वती के संगम को समर्पित कर देते हैं। विधान के अनुसार एक रात्रि तीन महीना छह वर्ष 12 वर्ष या जीवन भर कल्पवास किया जा सकता है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि आकाश तथा स्वर्ग में जो देवता हैं वे भूमि पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। वे चाहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य का जन्म पाकर प्रयाग क्षेत्र में कल्पवास करें। महाभारत के एक प्रसंग में मार्कंडेय धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, प्रयाग तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति प्रयाग में एक महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान ध्यान और कल्पवास करता है उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुरक्षित हो जाता है। अब हम जानेंगे कल्पवास के विधान के बारे में। प्रयाग क्षेत्र में निवास करने से पहले दिन में एक बार भोजन का अभ्यास बना लेना चाहिए। प्रयाग के चलने से पूर्व गणेश पूजन अनिवार्य है। मार्ग में भी व्यसनों से बचे रहें। आप त्रिवेणी तट पर पहुंचकर यह संकल्प लें कि कल्पवास की अवधि में बुरी संगत और कुवचनों का त्याग करेंगे। यहाँ कहा जाता है कि महीने भर संयम का पालन करने से व्यक्ति की इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है और वह आगे का जीवन सदाचार से व्यतीत करता है। कल्पवासी को चाहिए कि निम्नलिखित मंत्र पढ़कर अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सः वायाभ्यंतरः शुचि। इस मंत्र का उच्चारण करें और इस मंत्र से आचमन करें ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः का जाप करें। हाथ में नारियल पुष्प व द्रव्य दक्षिणा लेकर यह मंत्र पढ़ें। इसके बाद आचमन करके गणेश गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी माधव वेणी माधव और अक्षयवट की स्तुति करें। कल्पवास के अभूतपूर्व चमत्कारी फल की इच्छा सभी मानव मात्र कल्पना करते हैं। आप अपने जीवन में एक बार प्रयाग के संगम तट पर कल्पवास करने जरूर जाएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। नमस्कार।